लाहौर में कोरोना के तश्वीशनाक केसेस कम हो गए। 44% वेंटिलेटर्स मशीनें फ्री, आधे से ज्यादा कोरोना आईसीयू बेड्स खाली। सूरत हाल बेहतर होने पर सरकारी ओपीडीज बहाल करने का फैसला। टीचिंग अस्पतालों में आंख, नाक, कान, गला और दांतों के शोभाजात बहाल। डर्मेटोलॉजी और इलेक्टिव सर्जरीज के शोबे भी खोल दिए जाएंगे। नए साल से हर लाहौरी का इलाज फ्री। हर खानदान को इंसाफ हेल्थ कार्ड 31 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब के मजीद फंड्स जारी। ग्रांट पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल। कमिश्नर लाहौर का जिना अस्पताल में शेख एजाज डायलिसिस सेंटर का दौरा। बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर चेयरमैन बोर्ड जिना गोहर एजाज को खराज तहसीन पेश किया। फराहम की जाने वाली सहूलियात को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मुतवातर फलाही सरगर्मियों की तारीफ भी की। शहरी चीखों पुकार करते रह गए, महंगाई की मैराथन नानबाई जीत गए। रोटी 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए की कर दी। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ाई। 20 किलो का थैला अब 860 के बजाय 1100 रुपए में मिल रहा है। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते, तंदूर मालकान का मौक़िफ़। सस्ता आटा अब सस्ते बाजारों में मिलेगा। लाहौर समेत सुबह के 362 सस्ते बाजारों में स्टॉल्स का फैसला। 10 किलो का बैग 430 रुपए में दस्तयाब होगा। सस्ती चीनी की फरोख्त भी मुमकिन बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी का गंदम का हदफ पूरा करने पर इत्मीनान का इजहार। नाअहली, गफलत और अदम तवज्जोही का नतीजा। अवामी सहूलत का मंसूबा ऑरेंज ट्रेन सफेद हाथी बन गया। बढ़ते खसारे और बार बार की बंदिश के सबब वाजिबुल अदा सालाना कर्ज 15 से 16 अरब हो गया। पहली किस्त नए माली साल में अदा होगी। LDA सिटी के तरक्याती कामों में सुस्त रवि। तीसरी कुरानदाजी में मुसलसल ताखीर सवालिया निशान। तीसरी बार इल्तवा पर प्लॉट बुक कराने वालों को खदशात ने घेर लिया। 9300 फाइल होल्डर्स का फौरी बेल्टिंग का मुतालबा। जायदाद मुंतकली के लिए अब अदालत नहीं नादरा जाना होगा। विरासती तकसीम आसान हो गई। पंजाब हुकूमत ने जानशीनी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। 13 दफात पर मुश्तमिल कानून के तहत अखबारात में इश्तिहार जारी होंगे। 14 रोज बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आला सरकारी शख्सियात को मिलने वाले तहाइफ की खुफिया नीलामी गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का विफाक को तोशाखाना नीलामी के लिए कवायद बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये शख्सियात नहीं रियासतों का मामला है। नीलामी में अवाम की अदम शिरकत धुतकारने के मुतरादिफ है। करोड़ों के तहाइफ की कोड़ियों के मौल क्यों नीलाम किया जाता है? इस्तफसार। आला हुकूमती शख्सियत चौधरी निसार की राह में दीवार बनी। असेंबली सेक्रेटेरिएट की तैयारियां मुकम्मल थी। खसूसी अहकामात पर चौधरी निसार को हल्फ उठाने से रोका गया। हकायक सामने आ गए। महकमे कानून ने हाईकोर्ट में दायर 3 केसेस को बुनियाद बनाया। स्टे ऑर्डर ना होने के बावजूद चौधरी निसार को रोका गया। सीनियर सियासी रहनुमा मामलात क्लियर होने पर ही हल्फ उठाने पहुंचे थे। हम ख्याल ग्रुप खत्म नहीं करेंगे, मजीद ताकतवर बनेंगे। पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप का एक और पावर शो प्लान। आज इशाइये का एहतमाम। 5 नुकाती एजेंडा जेरे बहस आएगा। अली जफर रिपोर्ट 31 मई से पहले सामने लाने का मुतालबा किया जाएगा। वजीर आजम और वजरा के जारहाना बयान पर भी बात होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस, इराक की भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। मुल्क में दाखिले पर पाबंदी, इतलाक गैर मुयना मुद्दत तक होगा। शहर में एसओपी की खिलाफ वर्जियों पर मजीद 40 मुकदमा दर्ज। डीएचए में बॉलिंग कॉम्प्लेक्स, जिम और स्नूकर क्लब सील कर दिए। वैक्सीन जो लोग नहीं लगवा रहे, मेरी उनसे दरख्वास्त है, खुद से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें। प्लीज वैक्सीनेशन कराइए। प्लीज वैक्सीनेट जरूर करवाएं अपने आप को, अपने फैमिली वालों को, जिन जिन को आप जानते हैं। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के लिए वैक्सीन लगवाइए।
जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है वैक्सीन लगवाइए, अपने आप को महफूज कीजिए, अपने खानदान को महफूज कीजिए। कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम, फनकार पेश, स्टेज एक्टर इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की और एंकर वासे चौधरी के पैगामात रिकॉर्ड। कहा कि जिंदगी से मुखलिस रहें, वैक्सीन लगवाएं, जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी लॉकडाउन रहेगा। ऑनलाइन फर्ज का इजरा और इंतकाल की तस्दीक का टास्क, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का सालाना टारगेट 10 माह में पूरा हो गया। आमदन में रिकॉर्ड 25% इजाफा, अब तक 9.5 अरब कौमी खजाने में जमा, सर्विस चार्जेस के मत में 1.6 अरब जमा हुए। पुलिस अफसरान को फंड्स सरेंडर होने का डर, माली साल के 11वें और माह सरकारी घरों के तजयनों के आरइश के लिए टेंडर जारी, 11 घरों के तजयन के लिए 3,40,00,000 का तखमीना। 15 साल से कम उम्र की मुलाजमत देने पर पाबंदी, बेघर मजदूरों के लिए फंड कायम होगा, बीमारी, जचगी, फैमिली हेल्थ और पेंशन मिलेगी। सूबाई काबीना ने होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2021 मंजूर कर लिया। महकमे खजाना का सरकारी असातिज़ा के हक पर डाका, 4,00,000 असातिज़ा टाइम स्केल प्रमोशन से महरूम, प्रमोशन पर पाबंदी से करोड़ों की बचत होगी, फायदा उठाने वालों को अदायगी करना पड़ेगी, नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से फैसला की मजम्मत। तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश नुकसानदेह, 5% के बजाय 8% केसेज वाले शहरों में फौरी स्कूल खोले जाएं, इम्तिहानात 20 जून से मुनक्किद किए जाएं, सर्विंग स्कूल अलायंस का गर्मियों की छुट्टियां खत्म करने का भी मुतालबा। एजुकेशन अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के सबब 6 मोबाइल स्कूलों का मंसूबा ठप, डायवो कंपनी ने बस फराहम की नबात रकम मुख्तस करने से आगे बढ़ी, माली साल के इख्तिताम के करीब 10 करोड़ के फंड ज़ाया होने का खदशा। सोलर पावर प्रोवाइडर्स के लिए लेस्को का रिलीफ, बिजली की पैदावार और फरोख्त के लिए 3-फेज मीटर की शर्त खत्म, सिंगल फेज मीटर, सार्फीन भी सोलर एनर्जी पैदा और फरोख्त कर सकेंगे। लाहौर की पनागाहों में सहूलियात गैर मियारी हैं, महकमा सोशल वेलफेयर ने तस्दीम कर लिया, सहूलियात सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पनागाहों की अपग्रेडेशन की तजवीज, 17 करोड़ के मजीद बजट और 150 नई आसामियों की डिमांड। कचरे का वबाल, लाहौरी बेहाल, सब्जाजार की सफाई पर मामूर अमला कई रोज से गायब, इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू के भपके गुजरना मुहाल हो गया, फाजिया कॉलोनी में भी कचरे से बीमारियां फैलने लगी। और कौमी खेल हॉकी के फरोग का मंसूबा, जिंदा दिलों का शहर हॉकी लीग की मेजबानी करेगा, इवेंट आइंदा माह फ्लड लाइट में मुनक्किद होगा, मुख्तलिफ क्लब्स और अकेडमीज की टीमें शिरकत करेंगी। We'll be right back.